हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश 9th क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मूमेंट्स बुक से लेसन 4। इसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, का मतलब है मूर्खों के राज्य में। ठीक, और इसके लेखक हैं, राइटर हैं A.K. रामानुजन। यह विश्वास किया जाता है कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि केवल विद्वान व्यक्ति उन्हें व्यवस्थित रख सकते हैं। इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनका क्या होता है, आइए इस कहानी से देखें। ये बुक आपको बताई जा रही है, इसका नाम है मूमेंट्स इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th। इससे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है इंग्लिश का। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपाइल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आंसर, द गुरु एंड डिसिपाइल फाउंड टू स्ट्रेंज थिंग्स। फर्स्ट, दीज वेयर वन द पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्लेप ड्यूरिंग द डे। सेकेंड, एवरीथिंग बिग और स्मॉल कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डज द डिसिपाइल डेडिकेट स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आंसर, डिसिपाइल डेडिकेट टू स्टे इन द किंगडम ऑफ बिकॉज He finds your everything clean. Name all the people who are tried in the king's court. Give the reason for their trial. उन सभी के नाम बताओ जिन पर राजा के दरबार में मुकदमा चलाया गया हो और उन पर मुकदमा चलाए जाने का कारण बताओ। आंसर, द मर्चेंट्स, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्डस्मिथ। मर्चेंट एंड द ब्रिकलेयर डिड नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल, द डांसिंग गर्ल डिस्टर्ब द ब्रिकलेयर। कई विभिन्न व्यक्तियों पर राजा के दरबार में मुकदमा चलाया गया। वे थे व्यापारी, दीवार बनाने वाला कारीगर, नर्तकी और सुनार। व्यापार और कारीगर ने दीवार मजबूत नहीं बनाई, नर्तकी ने कारीगर को परेशान किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम। राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन था, इसकी सजा से वह कैसे बच निकला। आंसर, द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम आर दैट फूल्स कैंट बी डिस्पेंडेड अपॉन। राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी व्यापारी है, उसने पिता के गहनों को ऑर्डर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज द एस्केप पनिशमेंट। आंसर, अकॉर्डिंग टू द किंग रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट। हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ऑर्नमेंट्स बट द मर्चेंट एस्केप पनिशमेंट बिकॉज द स्ट्रिप कांट फिट हिम। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट है इडियट्स, IDIOTS, इडियट्स यानी सेंसलेस पर्सन, मूर्ख। नेक्स्ट है DISOBEY, डिसोबे, पे नो अटेंशन टू ऑर्डर्स यानी अवज्ञा करना। DELIGHT, डिलाइट मीन्स प्लीज्ड, प्रसन्न होना। डिसिप्लाइन यानी अ पीपल, चीलर, ग्लॉसरी, अ डीलर इन सेलिंग फ्लोर एक्सेट्रा। नेक्स्ट किरानी की, कॉलेप्स, फॉल डाउन यानी ढह जाना। फिर है बेलिफ, अ लॉ ऑफिसर, एक अधिकारी। स्क्रैप, डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति। नेक्स्ट है एक्सिक्यूशन यानी कैपिटल पनिशमेंट, प्राणदंड। एंकलेट मीन्स ऑर्नमेंट ऑफ हैंड, कंगन को बोलते हैं। नेक्स्ट है एनश्राइंड मीन्स ओल्ड, वेरी ओल्ड, प्राचीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने लेसन 4 पढ़ा और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बारे में जानकारी ली। आपको इसको नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से याद करना, स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखना और क्वेश्चन आंसर अच्छे से कॉपी में लिखेंगी और परीक्षा की तैयारी करेंगी। थैंक यू सो मच।